Hi guys, this is Sumit and welcome back to my YouTube channel. तो आज का ये वीडियो एक नॉर्मल सा आर्ट वीडियो नहीं है. इस वीडियो में मैं जो हमारा कॉलेज का एनुअल आर्ट एग्जीबिशन लगता है विच इज कारी, उसका मैं आप लोगों को फुल टूर एंड फुल दिखाने वाला हूँ कि एग्जीबिशन कैसा था. एंड कारी को अगर मैं आसान शब्दों में आप लोगों को बताऊँ तो इट इज़ अ संस्कृत नेम जिसका मतलब होता है आर्ट. ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. और आज की कहानी कुछ ऐसी है कि हम हैं यहाँ राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी में और यहाँ पे लगा है हमारा कॉलेज का एग्जीबिशन. मतलब हमारे सारे असाइनमेंट, सारे आर्टवर्क्स जो स्कल्पचर्स के स्टूडेंट्स ने, पेंटिंग्स के स्टूडेंट्स ने एंड अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट ने किए, वो सारे आर्टवर्क्स यहाँ पे अभी डिस्प्ले हुए हैं. तो अब चलो अंदर चलते हैं ये गैलरी जहाँ पर एग्जीबिशन लगा है. एंड दिस इज राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी इन पुणे. चलो छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे छुपा छुपाई नजर दुआई. पे जैसे ही एंटर करते हैं हमारा यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी का असाइनमेंट्स लगा हुआ है, जिसमें ये वाला मेरा असाइनमेंट्स है. तो ये देखो, ये पूरा प्रोसेस ऑफ द असाइनमेंट है. फर्स्ट पार्ट फोटोशूट, दिस इज अ स्क्रिबल एंड ये मेरा फाइनल आउटकम था. इसी तरह से ये एक असाइनमेंट था. ये वाला डायनासोर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ये मेरे कॉलेज में भी थर्ड फ्लोर में स्कल्पचर स्टूडियो के बाहर ये टंगा हुआ रहता है. सो ये पूरा ये वायर से, ये देखो ये पूरा वायर से एक एक पीसेस को ऐसे असेंबल करके एंड इसको ये पूरा, अगर आप इसको अलग एंगल से देखो तो ये कुछ समझ नहीं आता, बट अगर आप इसको जस्ट लुक फ्रॉम दिस साइड देन इट लुक लाइक अ प्रॉपर डायनासोर स्केलेटन. और इधर कुछ पेंटिंग्स के असाइनमेंट्स हैं एंड इधर कुछ अप्लाइड आर्ट्स के असाइनमेंट्स हैं. तो यहाँ पर से हम लोग ऊपर जाएंगे सीढ़ी. जो याद में लेके अब बाटे तेरे नाम. अभी हम लोग जैसे ही आर्ट गैलरी एंटर करेंगे तो यहाँ पर सारा पेंटिंग स्टूडेंट्स का आर्ट वर्क डिस्प्ले है. इधर कुछ हमारे अप्लाइड आर्ट्स के असाइनमेंट्स हैं. देन ये आप लोग इधर देखो, ये सारे ह्यूमन स्टडी है, सारे पेंटिंग्स के असाइनमेंट्स हैं. ये हमारे फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स हमें JH 1 से, ये है JH 10 से, यानी रांची और धनबाद. तो करेंगे ब्लॉग दिखाओ इनको. बगल में इनका भी स्टेट है. हेलो, कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश. सो अब ये मेरा वीडियो है एंड इसमें अगर सिनेमैटिक ना हो फिर मज़ा नहीं आएगा. तो थोड़ा सा सिनेमैटिक एंजॉय करो. ऐसे बैकग्राउंड में म्यूजिक तो चालू हो ही गया होगा. सो इन 3, 2, 1. रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया. बहुत इंटरेस्टिंग से आर्टवर्क्स रखे हुए हैं, जैसे कि ये वाला आर्टवर्क
ये वाला वाटर कलर देखो भाई, पर्टिकुलरली क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो के ये वाटर कलर पेंटिंग लग रहा है ये। सो अभी हमारा कॉलेज गया था उड़ीसा ट्रिप के लिए, हमारे घर के जो बाजू वाला उड़ीसा है ना, वहाँ ट्रिप के लिए गया था और वहाँ पर इन्होंने वर्कशॉप में पटचित्र आर्ट बनाई है, तो वो देख लो। तो अब यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स एंड आर्टवर्क डिस्प्ले हुए हैं, बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट जो ये आर्ट गैलरी में जो पेंटिंग्स मुझे लगा वो पेंटिंग्स ये थे। एक ये वाला पेंटिंग है, एक ये वाला पेंटिंग है, एंड एक पेंटिंग वो एक ये वाला पेंटिंग है। सो ये तीन पेंटिंग ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए। मुझे पोर्ट्रेट्स बनाना बहुत पसंद है, तो मुझे पोर्ट्रेट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। सो ये और एक वहाँ पर वो दोनों जो पेंटिंग्स है, वो तीनों पेंटिंग्स मेरे पर्सनल फेवरेट लग रहे हैं। एक ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, सो वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। बट अभी तक फिलहाल ये तीन पेंटिंग है ना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और भी सारे पेंटिंग्स हैं बहुत पसंद है, बट मुझे पर्सनली पोर्ट्रेट से थोड़ा ज़्यादा लगाव है क्योंकि मैं भी पोर्ट्रेट्स करता हूँ इसीलिए बस। तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि हमने हमारा वर्क क्यों नहीं दिखाया, तो देखो यहाँ पर मेरा कोई इतना खूबसूरत कोई वर्क लगा हुआ है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई पेंटिंग का स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं यहाँ पर अप्लाइड आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। तो जो भी मेरा कोर्स से रिलेटेड है ना, वो सारे वर्क्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो एक तो मैंने आप लोगों को दिखाया जो नीचे से एंट्रेंस करते ही जो स्टैंडिंग में जो फोटोग्राफी वाला लगा हुआ था, वो एक मेरा वर्क था। देन उसके बाद यहाँ पर हमें मूवी पोस्टर क्रिएट करना था जो इलस्ट्रेशन के अंदर था, दैट इज़। सो ये वाला मेरा पोस्टर है, सो ये तो आप लोगों ने स्टोरी बुक स्टोरी देखा होगा मुझे वर्क करते हुए। सो दिस इज़ माय पोस्टर, और ये भी कुछ उसी तरह से पोस्टर है, ये भूल भुलैया का, दिस इज़ ऑफ बजरंगी भाईजान। सो ये इलस्ट्रेशन का पार्ट था, देन वो इलस्ट्रेशन का पार्ट था, उधर आधा फोटोग्राफी है, देन इधर कुछ इलस्ट्रेशंस लगे हुए हैं। सो दीज आर द बेस्ट इलस्ट्रेशंस अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर का एग्जीबिशन कुछ इस तरह का था, एंड ये पूरा गैलरी है, दिस इज़ द होल गैलरी, पेंटिंग स्कल्पचर सारी चीज़ के वर्क यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, यहाँ पर फोटोग्राफी के असाइनमेंट्स है। सो अब यहाँ पे एग्जीबिशन वाला पार्ट होता है ख़त्म, और अब सारे वो डांस ड्रामा मतलब कल्चर इवेंट्स होने वाले हैं चालू, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑडिटोरियम। अभी हम लोग जा रहे हैं ऑडिटोरियम, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम होने वाला है एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा शायद। चलो अब ये सब के बाद होगा अवार्ड सेरेमनी। तो अब मुझे मिला है बेस्ट इलस्ट्रेशन अवार्ड इन कारी 2022। तो जाते जाते एक छोटी सी बात, कैसा लगेगा अगर आपको कोई आपके नाम से नहीं आपके अगर काम से पहचाने। हाँ, तो कारी के एंड होते होते तक हमसे मिलने आए हमारे एक सब्सक्राइबर जो सुबह से कारी में मौजूद थे एंड वो शाम को जाके मुझसे मिल पाए, एंड मुझे उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और जब कोई ऐसा कोई मुझे मिलता है ना जो मुझे मेरे काम से पहचाने, तो मुझे उनसे मिलने में एंड बातचीत करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे लोग मेरे काम से पहचान रहे हैं, और इस टाइम मैंने इस मोमेंट को कैप्चर किया है, तो ज़रा उस पर एक गौर फरमाइए। सो अभी यहाँ पे मेरा फंक्शन चल रहा था एंड ये एक मेरे सब्सक्राइबर ये मुझसे मिलने के लिए आए थे, एंड निखिल बारगज है, एंड इन्होंने एग्जीबिशन देखा। यस, बहुत बढ़िया एग्जीबिशन था, बहुत ही सुंदर था।
और यहाँ पर जितने भी आर्ट वर्क है वो एक से बढ़कर एक है। सबसे बढ़िया मुझे यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई है। एंड आई एम बिग फैन ऑफ हिम, मैं इनका चैनल हमेशा देखता हूँ, सो हिज चैनल इज रियली वेरी इंस्पायरिंग। मारे नजरिया सावर